दोस्तों कैसा हो अगर आप घर बैठे ही अपना बिजनेस स्टार्ट करें और आपको ना प्रोडक्ट खरीदनी है और ना ही कोई इन्वेंटरी रखनी है, इनफैक्ट आपको कस्टमर सर्विस भी संभालने की कोई ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी आप बिजनेस स्टार्ट करके पैसे कमा पाए, वो भी बस अपने लैपटॉप से, है ना अमेजिंग। तो आज हम इसी बिजनेस मॉडल के बारे में बात करेंगे जो है ड्रॉप शिपिंग। वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है तो लास्ट तक जरूर देखिएगा। आज हम आपको 5 स्टेप्स में बताएंगे कि आप अपना ड्रॉप शिपिंग बिजनेस कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले समझते हैं ड्रॉप शिपिंग होता क्या है। तो ड्रॉप शिपिंग एक ऑनलाइन बिजनेस मॉडल है जिसमें आपको बस एक प्रोडक्ट को अपना मार्जिन ऐड करके कस्टमर तक पहुंचाना होता है, जिसमें ना आपको प्रोडक्ट्स खरीदना है और ना ही डिलीवरी करनी है। सारा का सारा काम सप्लायर खुद ही करेंगे। ये सब कैसे होता है और इससे आप पैसे कैसे कमाएंगे, आइए बात करते हैं। स्टेप 1, निश एंड मार्केट रिसर्च। तो ये सबसे पहला और इम्पोर्टेंट स्टेप है कि आपको इसमें चूज करना होता है कि आप कौन सी निश के प्रोडक्ट सेल करने वाले हो, लाइक फैशन, जिम इक्विपमेंट या फिर फोन एक्सेसरीज एक्सेट्रा। इसमें और भी बहुत सारे निशेस हैं जिसे आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। हमने 150 से भी ज्यादा ड्रॉप शिपिंग प्रोडक्ट्स जो आप सेल कर सकते हैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जिसे आप चेकआउट कर सकते हैं। सपोज कि आपने जिम इक्विपमेंट का निश चूज किया, अब आपको इसमें कोई एक ऐसा प्रोडक्ट चूज करना पड़ेगा जो लोग खरीद सकते हैं एंड जो लोगों की कोई एक्चुअल प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा हो। प्रोडक्ट थोड़ा यूनिक भी होना चाहिए ताकि वो लोगों को पसंद आए। तो आपको अब जिम इक्विपमेंट के मार्केट के बारे में पूरी रिसर्च कर लेनी है। जिस भी निश में आप जा रहे हो उसकी पूरी जानकारी आपको होनी चाहिए। नेक्स्ट अब बात करते हैं सप्लायर्स की। स्टेप नंबर 2, फाइंडिंग सप्लायर्स। अब आपने जब निश चूज कर लिया तो अब आपको ढूंढनी होगी सप्लायर्स जो आपके प्रोडक्ट को सप्लाई करेंगे, या सिंपल वर्ड्स में बोले तो जिनके प्रोडक्ट को आप बेचने वाले हो। सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म एक बिगिनर्स के लिए है मीशो, और भी कई सारे प्लेटफॉर्म्स है लाइक रोपोसो क्लाउड एक्सेट्रा। मीशो में आपको ऑर्डर प्लेस या मैनेज मैन्युअली करना पड़ेगा, बट रोपोसो क्लाउड में ये सब ऑटोमेटिक हो जाता है। पर ये थोड़ा एडवांस प्लेटफॉर्म है, इसलिए अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको मीशो से स्टार्ट करना चाहिए। जब आपके ऑर्डर्स बढ़ जाए तो आप दूसरे एडवांस सप्लायर प्लेटफॉर्म्स पे स्विच कर सकते हैं। चलिए एक प्रोडक्ट चूज करते हैं, जैसे कि आप ये पुशअप बोर्ड देख सकते हैं, ये भी हमने मीशो से ही फाइंड किया है। इस बोर्ड की हेल्प से आप 10 टाइप्स की पुशअप्स कर सकते हैं जो अलग अलग मसल्स को टारगेट करेंगी। ये प्रोडक्ट जिम जाने वाले लोग या फिटनेस में इंटरेस्ट रखने वाले लोगों के लिए बेस्ट हो सकता है। तो इस वीडियो के लिए हम इसी प्रोडक्ट के साथ जाएंगे। अब इस प्रोडक्ट को सेल कैसे करना है उसकी बात हम आगे करेंगे, अभी के लिए हमें प्रोडक्ट चूज करके फाइनल कर लेना है। स्टेप नंबर 3, सिलेक्टिंग द नेम एंड लोगो। अब हमें अपने स्टोर के लिए एक बढ़िया सा नाम सोचना होगा और फिर उसके लिए लोगो भी बनाना पड़ेगा। अब अगर आप नाम नहीं सोच पा रहे तो सिंपली आप चैट जीपीटी में जाके भी अपने स्टोर के लिए नाम चूज कर सकते हैं। थोड़ा यूनिक नाम के लिए आप खुद से भी कोई नाम सोच सकते हैं, या फिर चैट जीपीटी के सजेस्टेड नेम और खुद से सोचे हुए नाम को मिला के भी एक यूनिक नाम बना सकते हैं। एक बात का आपको ध्यान रखना है कि जिस भी नाम को आप चूज कर रहे हैं वो नेम को एक बार सोशल मीडिया हैंडल्स लाइक फेसबुक एंड इंस्टाग्राम में चेक जरूर करें कि उस नेम का यूजर नेम अवेलेबल है या नहीं। अब बात करें लोगो की, तो आप एक सिंपल एंड अट्रैक्टिव लोगो कैनवा पे डिजाइन कर सकते हैं जो एक इजी डिजाइनिंग टूल है। यहां जाके आप लोगो टेम्पलेट्स को एडिट करके न्यू लोगोस बना सकते हैं अपने स्टोर के लिए। ये दोनों काम करने के बाद आपको जाना है 4th स्टेप में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टेप नंबर 4, वेबसाइट मेकिंग एंड प्रोडक्ट लिस्टिंग। अब इस स्टेप में आपको अपनी स्टोर या वेबसाइट बनानी है और उसमें प्रोडक्ट्स को लिस्ट करना है। अब वेबसाइट सुन के आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। आप चाहे किसी भी फील्ड से हो, भले ही आपने आज तक कोई वेबसाइट नहीं बनाई हो, फिर भी आप अपना ऑनलाइन स्टोर बना सकते हो। बस आपको हमारे बताए हुए तरीके को फॉलो करना है। ऑनलाइन ड्रॉप शिपिंग स्टोर बनाने के लिए 2 मेजर टूल्स यूज होते हैं, WooCommerce और Shopify। सबसे बेस्ट टूल एक बिगिनर के लिए है Shopify। आप Shopify की मदद से बस ड्रैग एंड ड्रॉप करके अपना एक अट्रैक्टिव एंड रिस्पॉन्सिव स्टोर कुछ ही मिनट में रेडी कर सकते हैं। इनका फर्स्ट मंथ का प्राइस बस ₹20 है। आप उसी प्लान के साथ स्टार्ट कर सकते हैं। अपने स्टोर के लिए अब आपको एक डोमेन नेम की नीड पड़ेगी, मतलब आपके स्टोर का नाम, जैसे फॉर एग्जांपल yourstore.com, आप डोमेन Shopify से ही ले सकते हैं या फिर बहुत सारे बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स लाइक GoDaddy, Namecheap, BigRock से भी आप डोमेन ले सकते हैं। आप प्राइसेस कंपेयर करके अपने हिसाब से डोमेन खरीद सकते हैं। बस उसके बाद आपको उसे अपने स्टोर या वेबसाइट से लिंक करना होगा। आपकी हेल्प के लिए हमने Shopify की एक डिटेल ट्यूटोरियल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वो जाके देख सकते हैं। जैसे ही आपकी स्टोर बन के रेडी हो जाए आपको अपने प्रोडक्ट को लिस्ट कर देना है। आप प्रोडक्ट्स की फोटोज और वीडियोस सप्लायर की वेबसाइट से ही ले सकते हैं, जो हमारे केस में था मीशो। आपको वहीं से सारे फोटोज और वीडियोस मिल जाएंगे। जैसे जैसे आपकी सेल्स बढ़ेगी, आपकी नॉलेज बढ़ेगी, उसके बाद आप प्रोडक्ट्स मंगा के खुद ही उसकी फोटोग्राफी कर सकते हो। बट अभी के लिए हम सप्लायर्स की वेबसाइट वाली फोटोज और वीडियोस ही यूज करेंगे। प्रोडक्ट की फोटोज, प्राइस एंड डिस्क्रिप्शन के साथ हम अपने प्रोडक्ट्स को लिस्ट कर देंगे। यहां ध्यान रखें कि प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शंस और इमेजेस अट्रैक्टिव हो। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट एंड फाइनल स्टेप की तरफ। स्टेप नंबर 5, मार्केटिंग एंड सेल्स।
सेल्स। सो अब है फाइनल स्टेप जिसमें आपको अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग करनी होगी एंड सेल्स लेके आनी होगी, क्योंकि अल्टीमेटली हमें सेल्स ही चाहिए अर्निंग के लिए। देखिए, मार्केटिंग भी आप दो तरीके से कर सकते हैं, एक पेड और एक फ्री। पेड मेथड्स मतलब फेसबुक और इंस्टाग्राम पे एड चला के, इसमें सेल्स ज्यादा ही आती है एज कम्पेयर टू फ्री मेथड्स, क्योंकि पेड एड्स में आप अपनी टारगेट ऑडियंस सिलेक्ट कर सकते हैं, जो हमारे केस में है फिटनेस फ्रीक लोग, क्योंकि हमारा निश जिम इक्विपमेंट्स है। तो पेड एड्स में हम बस ऐसे लोगों को एड्स दिखा सकते हैं जो फिटनेस एंड हेल्थ में इंटरेस्टेड हो, जिससे ऑटोमेटिक सेल्स आने की चांसेस बढ़ जाती है। इसके लिए आपको फेसबुक एड्स मैनेजर की नॉलेज होनी चाहिए। आपके लिए हमने एक डिटेल ट्यूटोरियल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप उसे देख के एड्स रन कर सकते हो। पर अगर आपके पास बजट नहीं है या फिर आप फ्री में स्टार्ट करना चाहते हैं, तो फ्री मेथड से भी आप अच्छा खासा अमाउंट अर्न कर सकते हैं। सबसे पहले आपको एक इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज बना लेना है अपने स्टोर के नाम से। देन आपको सैंपल वीडियोस पोस्ट करनी है उसी प्रोडक्ट की जो आपको सप्लायर की वेबसाइट से या फिर ऑनलाइन मिल जाएगी। आपको प्रोडक्ट की वीडियो ढूंढने में थोड़ी मेहनत तो लगेगी। अगर आपको वीडियो नहीं मिलती है तो आप एक प्रोडक्ट ऑर्डर करके अपने फोन से उसकी अलग अलग एंगल से वीडियो बना के भी रील्स में अपलोड कर सकते हैं। एंड आपको अपने स्टोर का लिंक अपने बायो में डाल देना है सो कि लोग उसे बाय कर सके। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने बस फ्री मेथड्स की हेल्प से अपना ड्रॉप शिपिंग बिजनेस बनाया है, वही बहुत से लोगों ने बस पेड एड से ही अपना बिजनेस चलाया है। ये आपको खुद फाइंड आउट करना होगा कि कौन सा तरीका आपके लिए बेस्ट काम कर रहा है। चलिए अब देखते हैं कि ऑर्डर आने के बाद क्या करना है। तो जैसे ही आपके पास ऑर्डर आता है, आपको चले जाना है अपने सप्लायर्स यानी मीशो में एंड जाके आपको वहां से उनके एड्रेस में ऑर्डर कर देना है। पेमेंट पेज में एक ऑप्शन आता है आर यू रीसेलिंग द ऑर्डर, आपको वहां जाके यस करके अपना मार्जिन ऐड कर देना है एंड ऑर्डर प्लेस कर देना है। अब वो प्रोडक्ट जिस बंदे ने ऑर्डर किया होगा उस तक पहुंच जाएगा एंड मीशो की ब्रांडिंग भी उस पर्सन पर नहीं होगी। ऑर्डर रिसीव होती है आपका मार्जिन या प्रॉफिट आपके मीशो अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा, जो आराम से। आई होप आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर आपको किसी भी तरह का डाउट है तो आप कमेंट करके हमें पूछ सकते हो। तो दोस्तों, ये था एक बेसिक गाइड ड्रॉप शिपिंग बिजनेस शुरू करने का। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को ऐसे ही और यूजफुल कंटेंट के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी ड्रॉप शिपिंग।